महिलाओं के साथ अत्याचार और बर्बरता वाले वीडियो वायरल होने के मामले प्रदेश में लगातार सामने आ रहे हैं। ऐसा ही मामला पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर जिले के धोरीमना क्षेत्र में सामने आया है। वायरल हो रहे वीडियो में एक अधेड़ ने जमीनी विवाद को लेकर पड़ोसी महिला से मारपीट की। इस दौरान उससे अभद्रता करने का प्रयास भी किया गया। पीड़िता के चिल्लाने पर आसपास की महिलाओं ने आकर उसे छुड़ाया। इस दौरान आरोपी फरार हो गया। बाड़मेर पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने बताया कि महिला ने उसी युवक के खेत पे खिचड़ी काटने का प्रयास किया तो आरोपी युवक ने उसे रोककर मारपीट की, जिसका वीडियो वायरल हुआ है। पुलिस ने कार्रवाई कर युवक को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल मामला धोरीमना क्षेत्र के मुसलमानों की ढाणी दूधिया कला का है। जानकारी के मुताबिक जमीन के विवाद को लेकर इन दोनों पक्षों में पिछले काफी समय से विवाद चल रहा है। इसका निपटारा 4 साल पहले पटवारी और प्रशासन के सहयोग से किया गया था। एक महिला है जो गोस्वामी जाति से है, उनके पड़ोस में एक राशिद नाम का व्यक्ति है, उसका खेत है। इन दोनों के खेत की बाउंड्री को लेकर के लंबे समय से विवाद था और एक बार जो पटवारी और उन्होंने पैमाइश करके गांव वालों ने बैठ के इसकी बाउंड्री फिक्स कर दी थी 2016 में। तो अभी एक दिन जो लेडी है वो उस सीमा के अंदर जो राशिद है उसके खेत में आकर के और कोई खेजड़ी वगैरह की कटाई कर रही थी, जिस बात पे उसने तकाजा किया और इन दोनों के आपस में हाथापाई हो गई। उस हाथापाई का वीडियो जो है वो बना और वो वायरल हुआ है। इस रिपोर्ट आने पर पुलिस ने राशिद को गिरफ्तार किया, बाद में उसकी बेल हो गई और महिला के जो बयान है उसके आधार पर प्रकरण